चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं कैलेंडर के अगले भाग पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे छोटी छोटी सवालों को आपको समझाने का प्रयास किया था। आज उन सारी बातों की भी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कैलेंडर में जो भी प्रश्न का जवाब आपको पास समझा रहा हूँ उसका मात्र दो ही कंसेप्ट है, या तो आपके पास ऑड डे या आपके पास लीप ईयर की कंसेप्ट होगी। आज मैं उसी ऑड डे की कंसेप्ट के आधार पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पिछले एग्जामों में आपके पास इस पॉइंट से आपके सवाल शेयर किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को जानना है कि एक कैलेंडर जो वन ईयर का होता है उसमें आपके पास टोटल 12 मंथ होते हैं, और इस 12 मंथ में आपके पास एक बहुत बड़ी क्वेश्चन छिपी हुई है। और सबसे पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास है, क्या आपने कभी ऐसा फीलिंग किया हो? हमारे पास वर्ष का दो रूप होता है, एक लीप ईयर और एक नॉर्मल। यदि मैं नॉर्मल ईयर की बात बताऊं, तो नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और उसका लास्ट दिसंबर का जो हमारा डेट होता है वो हर हाल समान दिन की होती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में समान होते हैं, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर हर हाल से सेम डे होते हैं। एडजस्ट यदि आपके पास लीप ईयर की बात बताई जाए, तो लीप ईयर में आपके पास 1 जनवरी से एक दिन ज़्यादा 31 दिसंबर होती है। ये हम लोग को जानना अति आवश्यक है। आपको जब भी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की बात आएगी तो फिक्स हमारी बातें हैं कि 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर हर हाल से आपस में सेम होंगे। कब? जब हमारे पास नॉर्मल रहेंगे। और एक दिन ज़्यादा होंगे कब? यदि आपके पास लीप ईयर होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग साबित कर देखेंगे। ऐसा होता है, जैसे सपोजिंग करें, आपके पास एक, मैं क्वेश्चन देता हूँ, मान लो 1/1/2005 की बात है। 2005 की 1 जनवरी मान ले, सपोजिंग यदि वो सोमवार है, तो क्या आप बता सकते हैं 1/1/2006 को कौन सा दिन होगा? ये मेरा पहला सवाल है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी आप जवाब दें, और इसका जवाब का कंसेप्ट आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा। यदि आपके पास तारीख और मंथ दोनों आपस में सेम होता हो, तद्दी हुई वर्षों का अंतर से ऑड डे निकाली जाती है। और मैंने ऑड डे का एक फार्मूला दिया था, ऑड डे बराबर होता है दोनों वर्षों का अंतर। तो आप बताओ यहाँ अंतर कितने का है? 1 का प्लस। क्या इस दोनों वर्षों में से कोई लीप हो या इस दोनों के बीच में कोई लीप हो? तो हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में या ये दोनों में से कोई भी लीप वर्ष नहीं है। तो मेरी ऑड डे की फार्मूला होती है वर्षों का अंतर प्लस LY यानी लीप ईयर। तो चूँकि इस सवालों में आपके पास लीप ईयर की वैल्यू कुछ नहीं है, अर्थात इसका वैल्यू क्या है? 0। तो हम लोग उसकी वैल्यू को 1 के बराबर मानेंगे। अब बताओ ये दोनों की वैल्यू 1 हो गया। अब हम लोग ये 1 क्या बताती है? ये बताती है कि आपकी 2005 से 2006 जैसे ही इस समान तारीख में जाएंगे, वर्ष का चेंज करेंगे, तो सोमवार में एक दिन की वृद्धि होगी। जितने ऑड डे निकलेंगे वो हमारे दिनों की मान में वृद्धि होंगे। तो बताओ यदि हमारी 2005 1 जनवरी को सोमवार माना गया हो, तो कन्फर्म है कि 1 जनवरी 2006 को हर हाल से मंगलवार होंगे। तो हमने यहाँ मंगलवार दिया। क्या आपने देखा कि 2005 का 1 जनवरी और 2006 की 1 जनवरी में आपके पास एक दिन का अंतर है? प्यारे बच्चों, 2006 एक जनवरी का पार्ट जो आया है, तब जब इस 2005 का 31 दिसंबर पार किया होगा, क्या जस्ट इसके पहले वाली जो हमारी तारीख होंगे वो 31/12/2005 होंगे? अब बताओ
31/12/2005 के बाद ही ना आपके पास 1 जनवरी 2006 आया होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि जस्ट मंगल के पहले आपके पास कौन होगा? सोमवार होगा। अब आप बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2005 और 31 दिसंबर 2005 क्या दोनों आपस में सेम है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी साधारण वर्ष का पहला दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन आपस में समान होता है। तो मैंने आपके पास ये प्रूफ कर बताया है, इसे आप कन्फर्म समझेंगे। कभी भी आपके पास नॉर्मल ईयर की बात आएगी, मान लो कोई नॉर्मल ईयर सपोजिंग करें 2017 में 1 जनवरी को सोमवार हम लोग पूरी धूमधाम से मनाए, तो कन्फर्म है कि इसकी विदाई भी आप सोमवार से ही करेंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर दोनों आपस में क्या होती? समान होती है। कोई भी वर्ष का उदाहरण आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक यदि मैं आपको लीप ईयर की बात बताऊं, सपोजिंग करी मेरी अगली क्वेश्चन हो जाए 1 जनवरी 2004 की बात है, क्या हमारे पास यही एक लीप ईयर है? और हम लोग अगली वर्ष 1 जनवरी 2005 की बात बताएंगे, क्या मेरी एक नॉर्मल है? यदि इस दिन आपके पास मंगलवार हो तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ वर्षों की अंतर एक है? क्या यही फार्मूला का उपयोग करते हुए ऑड डे की वैल्यू 1+, क्या इस दोनों वर्षों में लीप ईयर का मान है? तो हाँ, 2004 ऑलरेडी आपके पास लीप ईयर है, और 2004 से 2005 जाने के लिए इस लीप ईयर का आपके पास फरवरी का 29 तारीख काउंटिंग होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि लीप ईयर की वैल्यू कितना होगा? 1। और ये दोनों मिलाने के बाद आपके पास वैल्यू कितना हो गया? 2। प्यारे बच्चों, जब हमारे ऑड डे 2 आते हों तो हमारे पास जो भी 2004 का 1 जनवरी का मंगलवार है उससे 2 दिन आगे आपका 2005 का जनवरी होगा। तो हम लोग करेंगे मंगल है तो बुध और बृहस्पति, यानी कन्फर्म है कि आपका इस दिन बृहस्पतिवार होगा। अच्छा आप बताओ, ये जो मेरी बृहस्पतिवार है तो क्या जस्ट इसके पहले आपके पास 31/12/2004 ही होंगे? तो एक दिन पहले की जहाँ तक बात आएगा तो एक दिन पहले आपके पास बुधवार आएगी, यानी हम कह सकते हैं कि जस्ट एक दिन पहले बुधवार होगी। तो क्या इसका 1 जनवरी मंगलवार है तो क्या लास्ट 31 दिसंबर आपके पास बुधवार है? क्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी आपकी 1 जनवरी है उससे एक दिन ज़्यादा आपकी लास्ट दिसंबर होगा, अर्थात ये ऐसा तब हुआ जब आपके पास आपके पास लीप वर्ष की माने होंगे, यानी लीप वर्ष में आपकी 1 जनवरी और 31 दिसंबर में एक दिन का फासला होता है, कोई भी लीप वर्ष क्यों ना हो। तो यहाँ हमने दो बातों को सीखा, एक साधारण वर्ष का 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर हर हाल से समान दिन की होते हैं, और यही यदि हमारे पास लीप वर्ष की बात आए तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का फासला होता है। चलिए हमारे पास एक वर्ष के बीच, 1 एंड लास्ट के बीच आपका यही उदाहरण था। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्या इस कैलेंडर में आपके पास जो भी कैलेंडर जिस वर्ष का हो, या वो नॉर्मल का हो या आप लीप ईयर का बात हो, क्या आप बता सकते हैं कि टोटल एक वर्ष में 12 माह होंगे? और एक वर्ष में चूंकि 12 माह का ही तो कैलेंडर होता है, लेकिन आज हम विचार करेंगे कि जो भी आपकी एक वर्ष में 12 माह होते हैं, क्या उस मंथ में आने वाली जो पार्ट है क्या वो भी आपस में समान होते हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे एक साल के अंदर यदि वो साधारण वर्ष हो तो उस मंथ में कौन सा मंथ एक दूसरे का एक समान हो सकते हैं, या आपके पास लीप वर्ष हो तो आपस में किस प्रकार से आपस में एक दूसरे का समान मंथ हो सकते हैं। आने हम लोग कहना यह चाहते हैं कि एक साल में आने वाली 12 महीना में कुछ महीना आपस में एक दूसरे के पास सेम कैलेंडर बनाते हैं, इसी चीज़ को आज हमको साफ करना है। अब देखिए हम लोग इसमें पूरी तरह से साबित करने के लिए आपके पास एक उदाहरण हम साबित करेंगे। प्यारे बच्चों, सपोजिंग करें हमारे पास कोई वर्ष हो, क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, चूंकि इस वर्ष में आने वाली
एक माह को किसी दूसरे माह से कंपेयर करना है। प्यारे बच्चों, इस तरह की कंपेयर करने के लिए आपस में एक मंथ दूसरे मंथ से सेम तब हो सकती है जब उसका एक एक दिन आपस में समान आता हो, आने उस मंथ का प्रत्येक डेट आपस में हर हाल से बराबर हो, एक समान हो, तब कह सकते हैं कि वो महीना के कैलेंडर अगले महीना से एक समान हो सकते हैं। ऐसा तब हो सकती है जब आपके पास आने वाली मंथ की जो ऑड डे है वो सेवन की सर्किल को क्रॉस करता हो। आने यदि हम इस महीनाओं की बात में आएँ तो क्या आप बता सकते हैं, यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में फरवरी एक दिन आती है, लेकिन यदि मेरी नॉर्मल ईयर हो तो हम लोग की फरवरी जीरो होती है। अब प्यारे बच्चों, ये हमारी नॉर्मल और लीप ईयर का तो फंक्शन मुख्य रूप से फरवरी ही होती है, लेकिन 12 महीना में ये 11 महीना वो लीप हो या नॉर्मल हो यहाँ पर उसकी कोई ताल्लुकात नहीं होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, जनवरी का ऑड डे 3 होता है और मार्च का भी 3 होता है, अप्रैल 2 है, मई 3 है, जून 2 है, जुलाई 3 है, अगस्त 3 है, सितंबर आपके पास 2 है, अक्टूबर 3 है, नवंबर 2 है, दिसंबर आपके पास 3 है। ये पूरी का पूरी खेल इसी पर हमारे पास आश्रित होती है। अब मैं आपके पास एक सवाल दूं, हमारी सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि हमारे पास नॉर्मल वर्ष की बात आया जाए, कोई भी साधारण वर्ष की बात आए, उसकी पूरी कैलेंडर को हम लेंगे, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी मंथ है हमारी जनवरी है, जनवरी माह, यानी जनवरी माह की कैलेंडर हमारे पास किस मंथ से एक समान होंगे। प्यारे बच्चों, एक वर्ष की कैलेंडर में जनवरी का पूरी कैलेंडर से हमारे पास जो मंथ होंगे कौन मंथ से एक समान होंगे, यह बातों का हमको जिक्र करना है। तो हम लोग समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए जिस महीना से कंपेरिजन हमको करना है आप उसी महीना से ऑड डे लेना शुरू करेंगे और ऑड डे का ग्रुप वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक सेवन का सर्किल पूरा ना हो जाए, या तो वो 7 हो जाए, या आपकी 14 हो जाए, या 21 हो जाए। जिस वक्त ये हमारी ग्रुप पूरा हो जाएंगे अगले महीना दी हुई मंथ से आपस में पूरी तरह से एक समान होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, जनवरी की बात है, आप बताओ हमारी नॉर्मल ईयर की बात आएगा तो इस ग्रुप से चलेंगे, लीप ईयर की बात आएगा तो इस ग्रुप से चलेंगे। इस ग्रुप का मतलब है कि फरवरी 1 लेना है, लेकिन चूंकि हम नॉर्मल ईयर की बात बताते हैं कि एक नॉर्मल ईयर में आने वाली जनवरी किस महीना के समान कैलेंडर दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी से हम आगे बढ़ेंगे, 3 6, 6 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 3 19, 19 2 21। अच्छा, आप बता सकते हैं आपके पास जनवरी से लेके सितंबर तक का जितने भी हमारे पास कैलेंडर में आने वाली मंथ हैं सबकी ऑड डे यदि हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या आपका सेवन का सर्किल में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद जो आने वाली माह है, जैसे जनवरी का माह पूरी तरह से अक्टूबर की माह डेट बाय डेट आपके पास सेम होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जनवरी की कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर से पूरी तरह से सेम है, उसका एक एक दिन आपका एक समान होगा। आने आदि आपके पास एक जनवरी को मंगलवार हो तो कन्फर्म है कि 1 अक्टूबर को भी आप मंगलवार होंगे, आदि आपके पास 31 दिसंबर बृहस्पतिवार होता हो तो आपके पास 31 अक्टूबर भी बृहस्पतिवार होगा। आने कह सकते हैं कि दोनों कैलेंडर 100% सेम टू सेम होंगे। चलिए, आपने पूरी संतुष्ट हो गया होगा। चलिए, हमारे पास और यदि क्वेश्चन दिया जाए, यानी इसका आंसर आपके पास अक्टूबर हो गया। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट डे और यदि हम बोले, मान लो कि नॉर्मल ईयर का फरवरी माह किस माह के एक समान होंगे, क्या जिस माह को एक समान करना हो तो कंप्लीटली है कि फरवरी से मेरा काउंटिंग करना प्रारंभ करेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब बताओ फरवरी से हमारे पास चलेंगे तो फरवरी तो नॉर्मल ईयर के लिए जीरो होता है, तो क्या यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 3 2 5
और 5 3 8 दो 10 10 3 13 या 13 3 16 16 दो 18 18 और 3 21 कम्प्लीटली है कि अब आपके पास जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक हमारे पास पूरी का पूरी फुल हो गए। आने मेरा कहना है कि फरवरी से जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो अक्टूबर तक पूरी तरह से 7 का गुना जाता हो, तो क्या इस मंथ का यानी फरवरी का मेल हमारे पास नवंबर से होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि फरवरी का माह नवंबर के माह से पूरी तरह से सेम होंगे। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है, क्या फरवरी तो आपके पास नॉर्मल 28 की होती है और ये आपकी नवंबर तो आपके पास 30 की होती है। अब यहाँ एक सवाल होती है कि ये फरवरी का 28 और नवंबर का 30 आपस में एक समान कैसे हो सकता है जबकि ये मात्र 28 दिन है और ये आपके पास 30 दिन है। प्यारे बच्चों दिनों की संख्या जो भी ज़्यादा हो लेकिन कन्फर्म है कि 28 तारीख का एक 28 सॉरी फरवरी का जो 1 तारीख होगा यानी एक तारीख होगा वही आपके पास आने वाली नवंबर का एक तारीख दोनों क्या होगी सेम होगी। आने एक तारीख से लेके 28 तारीख तक पूरे नवंबर का कैलेंडर फरवरी के कैलेंडर से एक समान होगा, चूँकि वो मंथ में दो दिन ज़्यादा है तो दो दिन आगे होंगे लेकिन फरवरी का सारा कैलेंडर आपके पास नवंबर के पास होंगे। क्या हम बोल सकते हैं ना कि आपके पास फरवरी का सारा कैलेंडर जब नवंबर के साथ है तो कंप्लीट है कि दोनों कैलेंडर सेम हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक वर्ष में बहुत सारे ऐसे महीना है जो एक दूसरे के साथ आपस में बराबर का भाव लेता है। चलिए हम एक एग्जांपल आपको फॉलो कराना चाहेंगे। क्या आपके पास यदि हम लोग बोलेंगे मार्च, मार्च की कौन सी महीना से हमारे पास पूरी तरह से कंपेयर करेंगे। अब आइए मार्च की महीना, अब मार्च की महीना तो हमारे पास ही आएंगे। अब जैसे ही मार्च से सवाल चलेगा प्यारे बच्चे ध्यान देंगे फरवरी आपका कट हो गया, अन फरवरी से कोई ताल्लुकात नहीं है। अब ये मार्च से कोई भी सवाल हो लीप ईयर का हो या हमारे पास नॉर्मल ईयर का दोनों के लिए अब ये बराबर सवाल चलेंगे। अब यहाँ से हमारे पास पूरी का पूरी ये फंक्शन सिर्फ इतना लेता था कि आप लीप हैं या नॉर्मल हैं, लेकिन जब फरवरी की बात से करेंगे तो सब सामान्य हो या लीप हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है। तो चले हमारे पास कहेंगे मार्च का किस महीना से कोई अगली महिला का तालमेल होगी, तो इस सवाल का जवाब करने के लिए मार्च से चलेंगे। तो 3 2 5 और 5 3 8 दो 10 और 10 3 13 और 13 3 16 और 16 2 18 3 21 पक्का नवंबर के साथ है। आने हम कह सकते हैं कि आपके पास नवंबर के साथ इसका मेल है। अब बताओ मार्च का भी 31 है और नवंबर का 30 है, जैसा कि मैंने फरवरी और नवंबर की बात बताया, क्या मार्च का हर डेट नवंबर की हर डेट आपस में एक समान है। तो चूंकि ये 30 दिन का है इसलिए 30 दिन समय आपस में सेम होंगे और बाकी अगला पोर्शन आगे होगा, उससे हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या दोनों का दोनों मंथ का कैलेंडर आपस में सेम हुआ और इस तरह से हमने बहुत सारे एक वर्षों में आने वाले महीना को आपस में सेम कर सकते हैं। क्या आपने मेरी कंसेप्ट को फॉलो किया, क्या ये जो मैंने फंक्शन लिखा इसके आधार पर किसी भी मंथ को आप जब चाहें जब आपस में तालमेल कर सकते हैं। अर्थात अभी आपने सीखा कि एक वर्ष का कोई भी महीना भी आपस में एक समान होता है। प्यारे बच्चों मैंने अभी महीना की बातों को लिया, क्या ऐसा भी अभी आपके पास कुछ कैलेंडर होते हैं जो आपस में एक वर्ष की कैलेंडर अगले वर्षों से सेम होते हैं। तो चलिए आज हम फिर इस बात को आपको जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी वर्ष का कोई कैलेंडर किसी अगले वर्ष में किस प्रकार से सेम होता है। चलिए हम लोग आज वर्षों की कैलेंडर को सेम करेंगे। वर्षों की कैलेंडर सेम होने के लिए हमारे पास इसी प्रकार से ऑड डे की सहारा लेना होगा। प्यारे बच्चों कोई भी वर्ष को आप उठा सकते हैं, सपोजिंग करें हम आपके पास बताएंगे 1917 का कैलेंडर किस वर्ष की कैलेंडर से समान होगा, ये हमारे पास एक सवाल आई है। 1917 की कैलेंडर किस वर्षों के कैलेंडर से आपके पास एक समान होंगे। चलिए मेरी ऑप्शन होता है आप बताएंगे 1920, अगला होगा
1923 आगे होगा 1924 और आगे लास्ट हमारे पास होंगे डी 1928। अच्छा अब आप यहाँ देखेंगे 1917 की कैलेंडर पूरी तरह से यही चार ऑप्शन में से हमारे कोई खास कैलेंडर के साथ आपस में सेम होंगे। अच्छे बताओ यह हमारे पास एक नॉर्मल ईयर है, चूँकि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आपके पास नॉर्मल ईयर ही सेम हो सकते हैं। यदि आपकी कैलेंडर नॉर्मल ईयर का हो और आपके पास आने वाले वर्ष यदि लीप ईयर हो तो कभी भी आपस में सेम नहीं हो सकते हैं। तो क्या हमारी दी हुई ऑप्शन के आधार पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये नॉर्मल ईयर है और ये ऑप्शन आपका लीप ईयर है, अर्थात ये दोनों कभी भी एक समान नहीं होंगे। क्या आगे हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल है या पूरी लगती है कि ये सवाल हमारा आंसर हो सकता है। चलिए आगे 1924 है, ये किसी कीमत पर नहीं होगा, और 1928 ये किसी कीमत पर नहीं होगा, आंसर आपके पास 1923 होगा। लेकिन अब आप कैसे कह सकते हो क्या 1917 की कैलेंडर आपके पास 1923 से समान होगा, तो ये हमको साबित करना होगा। प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था दो वर्षों का अंतर, अब यहाँ पर देखेंगे 1917 और 1923 में कितने का फासला है, तो 1917 और 1923 में 6 की फासला है। तो मैंने बताया था ऑड डे की बात बताया था कि ऑड डे की फार्मूला है दोनों का अंतर प्लस इस दोनों के बीच आने वाले लीप ईयर का संख्या। क्या 17 के बाद 18, 19, 20 आने 20 आपके पास लीप ईयर है, क्या 20 के बाद 23 है आने हम कह सकते हैं कि इस दोनों के बीच में एक लीप ईयर है, आप एक जोड़ें, क्या आप बता रहे हैं कि 7 आ गया, आने कन्फर्म है कि इस दोनों के बीच में 7 का गुणज ऑड डे आता हो तो हम लोग साबित कर सकते हैं कि आपकी 1917 की कैलेंडर 1923 से 100% सेम होंगे। क्या ऐसा लगा कि एक पूरी कैलेंडर किसी वर्षों के साथ पूरी तरह से सेम होंगे। चलिए हमारे पास एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, सपोजिंग करें क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 1918 की कैलेंडर किस वर्ष की कैलेंडर से एक समान होंगे। अब हमारे पास एक अगली क्वेश्चन है, अब आएंगे 1924, बी मिलेंगे 1928, सी मिलेंगे 1929 और आगे लेंगे डी में 1932। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखना है कि इन सारी वर्षों में से कौन सा वर्ष से यह एक समान होंगे। अब यहाँ ध्यान देना है यह वर्ष आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल वर्ष की पूरी कैलेंडर नॉर्मल के ही समान हो सकता है। यदि हमारी कैलेंडर लीप का लेंगे तो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे क्या 24 लीप है, कभी भी नहीं होगा, 28 भी पूरी तरह से नहीं होंगे, 32 भी पूरी तरह से नहीं होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल वर्ष के साथ एक समान होंगे। अब इसको चेकअप करेंगे क्या इस दोनों के बीच में कितने वर्षों का फासला है, तो यहाँ पर देखेंगे 11 वर्षों का फासला है, प्लस क्या इसके बीच में हमारे पास कोई ना कोई लीप ईयर आया होगा, तो चलिए 18 से लेके 19 तक में आपके पास 20 आया होगा, 24 आया होगा और 28 आया होगा। क्या ये सारे लीप ईयर हैं, क्या ये सारे लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर की संख्या कितना है, 3, क्या हम इसमें 3 अटैच करेंगे तो कितना होगा, 14, और 14 7 का पूरी तरह से गुणज है, अर्थात हम कह सकते हैं 1918 की कैलेंडर 1929 से 100% क्या होगा, सेम होगा। चलिए हमारे पास एक उदाहरण और आपके साथ पेश करते हैं, क्या 1919 का कैलेंडर किस वर्षों से सेम होगा। हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि आपके पास 1930 लेते हैं, बी में लेंगे 1932 लेंगे, सी में लेंगे 1936 लेंगे, डी में लेंगे 1940 लेंगे। अच्छा अब बताओ ऑप्शन में एक क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल वर्ष कभी भी लीप ईयर के समान नहीं होंगे। तो चलिए ये आपके पास लीप है, एक कभी नहीं होंगे, ये आपका लीप है, कभी नहीं होंगे, ये भी आपके पास लीप है, कभी नहीं होंगे, तो जब भी होगा इतने नॉर्मल ईयर के साथ होगा। अब यहाँ साबित करना है क्या ये नॉर्मल ईयर के साथ सही हमारे पास सेम होंगे कि नहीं। तो चूँकि आप दो वर्षों के बीच की बात बताते हैं, इस दोनों वर्षों में
कितने वर्ष का फासला है? 11 वर्ष। अच्छा, अब 1919 से लेकर 1930 में आपके पास आने वाली लीप ईयर आपका 20 होगा, 24 होगा और 28 होगा। क्या बताओ, इसके तीन हमारे लीप ईयर हैं, तीन हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। क्या 14 सात का गुणज है, इसलिए 100% है कि हमारे पास आपस में क्या होगा? सेम होगा। चलिए, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और आपके पास बताएंगे। हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, क्या 1920 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होंगे? प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखा 17, यहाँ देखा 18 और यहाँ देखा 19। क्या ये तीनों का तीनों नॉर्मल ईयर था? लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं लीप वर्ष है। क्या लीप वर्ष की कैलेंडर किस वर्षों से एक समान होंगे? जैसा कि आप जानते हैं, लीप वर्ष की कैलेंडर लीप वर्ष ही समान हो सकता है। लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी आपके पास जनरल वर्षों के समान एक समान नहीं हो सकते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पर देखें सवालों का ऑप्शन है, क्या 1924, बी में लेंगे 1928, सी में लेंगे 1948 और डी में लेंगे 1941। अब बताओ, हम लोग ये साबित करना है क्या दी हुई वर्ष में से कौन कौन सा लीप वर्ष है? प्यारे बच्चे, यहाँ 20 लीप है, 24 भी लीप है। क्या ऐसा लगता है कि समान हो सकता है? चेकअप करेंगे, क्या दोनों के बीच में फासला कितने का है? 4 का। अब बताओ, 4 की फासला, तब लीप ईयर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? तब 20 है, 20 के बाद 24 है, 1 है, अर्थात पूरी तरह से 7 का गुणज नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। क्या अब यहाँ पर आएंगे तो आपके पास दोनों के बीच में 8 का फासला है, दोनों के बीच में 8 है और दोनों के बीच में आने वाली लीप ईयर की संख्या एक 20 होंगे, एक 24 होंगे, तो दो होंगे, दो जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 जो है कभी भी 7 का गुणज नहीं है, इसलिए ए भी नहीं होगा। अच्छा, अब आप बताएंगे ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर तो किसी कीमत पर नहीं होगी, तो चलिए हमारे पास एक ऑप्शन और बच गया। अब इस ऑप्शन को देखेंगे, इस दोनों के बीच में कितने का फासला है? 28 का फासला है। क्या प्यारे बच्चों, 28 वर्षों की फासला है, लेकिन लीप वर्ष देखना है। क्या आप बताएं, 20 के बाद 24 होंगे, 24 के बाद 28 होंगे, 28 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 36 होगा, 36 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 44 होगा और ये लास्ट का वर्ष हमारे पास नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा लगता है इसमें 7 जोड़ेंगे और 7 जोड़ने के बाद ये आपके पास 35 हो जाएगा और 35 7 का क्या है? गुणज है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास 19 से 20 के बाद 1948 पूरी तरह से सेम टू सेम होंगे। क्या अभी तक आपको मैंने कुछ बात बताया, प्रारंभ से मैंने क्या बात बताया, एक वर्ष में आने वाली 12 महीना में हमारे पास 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर का मान नॉर्मल ईयर होने के बाद आपके पास एक समान होते हैं और यदि वो लीप ईयर होंगे तो एक दिन ज़्यादा होंगे। इस टाइप की सवाल आपने पूरी तरह से कर लिया। मैंने सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपको बताया कि एक वर्ष में आने वाली जो 12 महीना है वह भी आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से समान हो सकते हैं और लास्ट में हमारे पास ऐसा भी आज मैंने आपको बताया कि कोई भी कैलेंडर किसी भी वर्ष का क्यों ना हो, वो पूरी तरह से आपस में आने वाले वर्ष में एक समान हर हाल से होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक ऑप्शन से आपके पास ऐसा सवाल दिया गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि सबको आपने चेकअप करके पूरी तरह से किया है, लेकिन मैं एक आपके पास एक ऐसी मेथड देने जा रहा हूँ कि किसी भी वर्ष को सिर्फ देखने के बाद आप बता सकते हैं कि आने वाली अगला कौन ऐसा वर्ष है जो पूरी तरह से सेम टू सेम कैलेंडर देंगे। तो उसका एक टिप्स है, आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे एक लीप वर्ष, क्या कोई भी लीप वर्ष ले, क्या मान ले हम 1916 की बात बताया, क्या जस्ट उसके आगे वाली वर्ष 1917 आएंगे, उसके बाद 1918 आएंगे, उसके बाद 1919 आएंगे, फिर पुनः 1920 आएंगे, क्या हमारे पास एक साधारण है, साधारण है, ए भी एक साधारण है और ए भी एक साधारण है और यहाँ हमारे पास लीप वर्ष है। प्यारे बच्चों, इस सीरीज को आप पूरी तरह से मन में बसा लें, यदि आपके पास लीप वर्ष के बाद, लीप वर्ष के जस्ट बाद आने वाला कोई साधारण वर्ष हो,
फिर से ध्यान देंगे, यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद आने वाला कोई साधारण वर्ष हो तो पूरी तरह से मैं बताता हूँ, 6 वर्ष के बाद वह समान कैलेंडर लाता है। जैसे आप देखें, क्या जस्ट 1917 है, क्या 17 में आप 6 को ऐड करिए, क्या आपके पास 23 आ गया कि नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष के बाद आने वाले वर्ष में 6 वर्ष को ऐड करने के बाद सेम कैलेंडर की प्राप्ति होती है। जस्ट 1918 यह हमारी लीप वर्ष के जस्ट बाद वाले हमारे पास आते हैं, तो ऐसी हालत में जैसे इसकी बाद वाला 2 लीप आएंगे वो हर हाल से 11 वर्षों के बाद आपस में सेम का सेम होंगे। क्या आप देख रहे हैं, 18 की बात है, क्या 1918 में 11 वर्ष जोड़ दे, क्या 29 आ गया। क्या हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कैलेंडर सेम हो सकते हैं। चलिए हमारे पास 1919 वाली बात है, क्या 1919 का जो मैंने सवाल बताया था, अब 1919 वाली समान को आप देखें, यह भी आपके पास 11 वर्षों के बाद सेम होंगे। क्या आप 1919 में 11 जोड़ दे, 30 आता है कि नहीं, आपका सेम हो गया। लेकिन जस्ट यदि आपके पास 1920 आया तो लीप वर्ष का आने वाली कैलेंडर लीप वर्ष ही होंगे, इसलिए 28 वर्ष की अंतर होती है। तो आप देखेंगे 1920 है, क्या 28 इसमें जोड़ेंगे तो 1948 होगा, क्या दोनों का दोनों सेम है या नहीं। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी वर्ष का कैलेंडर यदि दे दिया जाए तो बिना कुछ चेकअप किए मैं बता सकता हूँ कि वो 100% कैलेंडर कैसे सेम होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान ले सपोजिंग मेरे पास क्वेश्चन है, मैं 1912 की बात बताता हूँ, क्या 1912 के बाद आने वाली कौन सा वर्ष है जिसकी कैलेंडर पूरी तरह से सेम होंगे। तो क्या प्यारे बच्चों, 1912 तो आपका लीप है ना, और मैंने बताया था कि जब लीप वर्ष होंगे तो 28 वर्ष के बाद ही वो सेम टू सेम देंगे। चलिए हमारे पास इसमें 28 जोड़ देंगे तो आपके पास 1940 की बात आ गई, आने 1940 का कैलेंडर पूरी तरह से 1912 के कैलेंडर से सेम टू सेम होंगे। आने ऐसा लगता है कि 1912 की कैलेंडर यदि हम रख लें तो 1940 में आने वाले जो साल होंगे 1912 का ही कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं, सपोजिंग करें कि क्वेश्चन आपके पास 1913 है, क्या आप देख रहे हैं कि 12 के जस्ट बाद 13 है, और मैंने बताया था कि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला आएंगे तो 6 वर्षों के बाद सेम होंगे, अर्थात 1919 का कैलेंडर आपस में क्या होगा, सेम होगा। क्या इसी तरह से हम कर सकते हैं, क्या 1914 की कैलेंडर को आप निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चे, 1914 हमारी एक सामान्य वर्ष है और तुरंत बाद की बात है, अर्थात 11 वर्ष के बाद ही सेम होंगे। क्या हम कह सकते हैं कि ये कैलेंडर पूरी तरह से 1925 के बाद आपस में सेम होंगे। और इस तरह के हर कैलेंडर को आप वर्ष की कैलेंडर को आपस में सेम किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज की मैंने क्लास में 4-3 तरह की टाइप की सवालों को आपको शेयर किया है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत बड़ा मेन बिंदु मानी जाती है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में और आपका इससे भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम शेयर करेंगे। तो चलिए, यदि आपको मेरा यह कैलेंडर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्यारे बच्चे आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका लाइक करना हमारे लिए एक मनोबल आगे की ओर बढ़ाता है, और मैं इसी तरह से आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो मेहनत कर आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। चलिए, ओके, बाय।